ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स पार्ट थ्री। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो हम यूज़ करेंगे वो एक्सरसाइज 8.2 के लिए यूज़ करेंगे। जितने भी क्वेश्चन 8.2 के सॉल्व करेंगे उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यूज़ होगी, ठीक है। तो उसके लिए हम ट्रिक देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं सम स्पेसिफिक एंगल्स 0 to 90 डिग्री होते हैं। वी नो डैट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज टेबल हेल्प्स टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक स्टैंडर्ड एंगल्स, यू कैन से आल्सो स्पेसिफिक एंगल्स सच एज 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ओके, तो हम ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यूज करेंगे ये सम स्पेसिफिक एंगल्स के लिए यूज करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज कितने होते हैं आपको पता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज 6 होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। ओके, तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है, वी नो डैट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज टेबल हेल्प्स टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक स्पेसिफिक एंगल सच एज 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ओके, तो ये देखो ये जो टेबल है ये जो हॉरिजॉन्टल लेना है इसमें आपको एंगल लेना है। ये क्या है? 0 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ये क्या है? एंगल है, एंगल्स थीटा, और ये रेशियो। एंगल्स को हॉरिजॉन्टल लेना है और जो रेशियो हैं उनको वर्टिकल लेना है। रेशोज साइन थीटा, क्योंकि थीटा के अलोंग ले रहे हैं, हमने जो एंगल लिया है वो थीटा लिया, और थीटा क्या हो सकता है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ये थीटा है। साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होते हैं, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व द ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम्स। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज जो हम स्टैंडर्ड एंगल्स जो यूज़ करते हैं ये हमें ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करती है। ये जो टेबल है एक्सरसाइज 8.2 के जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को यूज़ करेंगे। तो देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी टू रिमेंबर द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ दीज स्पेसिफिक एंगल्स, यू कैन से ऑल्सो स्टैंडर्ड एंगल्स। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ट्रिक देखते हैं कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को कैसे बनाते हैं। तो आप याद रखना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के लिए अगर आपको साइन का एंगल आता है, अगर आप साइन की वैल्यू को फाइंड कर सकते हो, साइन 0, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, साइन के सारे एंगल्स को फाइंड कर सकते हो, तो आप जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं उनको भी फाइंड कर सकते हो। जैसे हम ये देखो ये कितने नंबर्स हैं, 0, 1, 2, 3, 4। ये देखो 4 है टोटल, ये एंड जो हो रहा है ये 4 पे हो रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? ये देखो 0, 1, 2, 3, 4, 4 एंड पे हो रहा है तो 4 ही लेना है। 4 से सबको डिवाइड कर दो, 4 से सबको डिवाइड किया, ठीक है, 4 से सबको डिवाइड किया। 0 से स्टार्ट किया मैंने नंबर, 0 डिग्री एंगल था, 0 से स्टार्ट किया, 30 डिग्री को 1 लेना है, 2, 3, 4, तो 4 पे एंड हो रहा है इसीलिए सबको 4 से डिवाइड किया। अब सबका स्क्वायर रूट कर दो, सबका स्क्वायर रूट किया, ठीक है। अब ये देखो ये जो एंगल होगा ये साइन का एंगल आ जाएगा। अगर हम साइन के एंगल को फाइंड कर लेते हैं, साइन के जितने भी एंगल्स हैं साइन थीटा, जैसे 0, 30, 45, 60, 90, तो हम अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को भी हम इसी तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो देखो पहले साइन के कैसे फाइंड करते हैं। तो जब भी एग्जाम वगैरह आता है तो साइन का ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को माइंड में रखो, बाकी तो रेसिप्रोकल और रिवर्स करके हम फाइंड कर सकते हैं। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे, 0/4 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 0/4, 0 ही होता है, 0 को किसी भी डिजिट से डिवाइड करो क्या आता है, 0 ही आता है, ठीक है। अंडर रूट, अब आपको ये भी पता होगा अंडर रूट ए बाय बी, ये क्या होता है, अंडर रूट ए बाय अंडर रूट बी होता है। तो सेम हम अंडर रूट 1/4 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1/√4 हो गया, तो 1/2, क्योंकि 4 का स्क्वायर √2 होता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2। अब √2/4 को क्या लिख सकते हैं, 1/2। अब हमारे पास आ गया √1/2, तो ये क्या हो गया, √1 का 1 ही होता है और √2, तो ये हो गया 1/√2। देखो सिर्फ साइन का आपको एंगल फाइंड करना है, साइन की वैल्यू को फाइंड करना है, बाकी सब फाइंड हो जाएंगी रिवर्स और रेसिप्रोकल से, ठीक है। तो देखो √3/4, √3/4 को क्या लिख सकते हो, √3/4, √3/√4, तो क्या हो गया, √3/2, क्योंकि 4 का स्क्वायर √2 होता है, √3 का स्क्वायर √3 ही होता है, तो ये हो गया √3/2। 4 से 4 कैंसिल हो गया, 1 आ गया, साइन 90,
वन। अब देखो हमने क्या फाइंड किया, साइन जीरो जीरो होता है क्योंकि थीटा की वैल्यू है, हमने हॉरिजॉन्टल लिया है तो थीटा, साइन थीटा, कोस थीटा सबको हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को थीटा में लिया है, थीटा की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। साइन जीरो की वैल्यू जीरो, साइन थर्टी की वैल्यू वन बाई टू, साइन फोर्टी फाइव की वैल्यू वन बाई रूट टू, साइन सिक्सटी की वैल्यू रूट थ्री बाई टू, साइन नाइन्टी की वैल्यू वन। अब देखो अब हमें ये पता लग गया कि साइन की वैल्यू क्या है, ठीक है, साइन के जो एंगल्स हैं वो क्या क्या फाइंड हो रहे हैं, तो बाकी के हम कैसे फाइंड करते हैं, जो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं उनको हम कैसे फाइंड करते हैं। कोस जीरो, तो ये देखो साइन को जब रिवर्स करोगे तो ये वन हो गया, इसको रिवर्स करेंगे रूट थ्री बाई टू हो गया, ये वन बाई रूट टू हो गया, ये वन बाई टू हो गया और ये जीरो हो गया, ठीक है। कोस थीटा, हमने साइन को रिवर्स किया वन रूट थ्री बाई टू, वन बाई रूट टू, वन बाई टू, जीरो। टेन, टेन क्या होता है, टेन साइन थीटा बाय कोस थीटा या वन बाय कोट थीटा, कोट का रेसिप्रोकल होता है। साइन को जब कोस से डिवाइड करेंगे तो टेन थीटा आता है, तो जीरो बाय वन क्या होता है, जीरो ही होता है। वन बाय टू को रूट थ्री बाय टू से डिवाइड करेंगे, टू से टू कैंसिल तो क्या हो जाएगा, वन बाय रूट थ्री। ये देखो जब वन बाय टू को रूट थ्री बाय टू से डिवाइड करेंगे तो क्या फाइंड होगा, मिडिल टर्म की मल्टीप्लाई करते हैं और आउटसाइड की, ठीक है। तो देखो वन मल्टीप्लाई टू, टू मल्टीप्लाई रूट थ्री, टू से टू कैंसिल, वन बाई रूट थ्री। तो देखो टेन क्या फाइंड हो गया, टेन थीटा वन बाई रूट थ्री। सेम वन बाई रूट टू से वन बाई रूट टू को कैंसिल करेंगे तो वन ही आएगा, रूट थ्री बाई टू को रूट थ्री बाई टू को वन बाई टू से डिवाइड करेंगे तो टू से टू कैंसिल हो गया, रूट थ्री ही बचेगा, ठीक है। टेन सिक्सटी की वैल्यू क्या आएगी, रूट थ्री। वन बाई जीरो, वन बाई जीरो क्या होता है, नोट डिफाइन, इन्फिनिटिव भी बोलते हैं, नोट डिफाइन, नोट डिफाइन, ठीक है। कोट थीटा, टेन को रिवर्स कर दो, ये देखो ये हो गया नोट डिफाइन, नोट डिफाइन, रूट थ्री वन, वन बाय रूट थ्री, जीरो। सेक थीटा, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस थीटा का। वन, ये देखो इस डिनोमिनेटर में वन ले लेते हैं, ठीक है, तो वन बाय वन का रेसिप्रोकल वन ही होगा, रूट थ्री बाय टू का रेसिप्रोकल टू बाय रूट थ्री, वन बाय रूट टू का रेसिप्रोकल रूट टू बाई वन, रूट टू, वन बाय टू का रेसिप्रोकल टू बाय वन, टू, एंड जीरो बाय वन का रेसिप्रोकल, जीरो बाय वन का रेसिप्रोकल वन बाय जीरो, या ये कहो नोट डिफाइन, क्या कहते हैं, नोट डिफाइन इन्फिनिटी, ठीक। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा का रिवर्स कर दो, हर एक को फाइंड करना है। जैसे साइन को फाइंड किया तो कोस थीटा कैसे हुआ फाइंड, साइन को रिवर्स करके, टेन साइन कोस को डिवाइड करके, कोट टेन को रिवर्स करके, सेक कोसेक, सेक कैसे फाइंड हुआ, सेक कोस का रेसिप्रोकल, जब हमने सेक थीटा को फाइंड किया तो कोस थीटा के जो एंगल्स थे हमने उनको रेसिप्रोकल किया। कोसेक थीटा, सेक को रिवर्स कर दो, सेक को रिवर्स करेंगे नोट डिफाइन, या ये कहो कि साइन का रेसिप्रोकल नोट डिफाइन, टू ये हो गया रूट टू, टू बाई रूट थ्री और ये हो गया वन। तो कोसेक जीरो डिग्री की वैल्यू नोट डिफाइन, कोसेक थर्टी डिग्री की वैल्यू टू, कोसेक फोर्टी फाइव की रूट टू, कोसेक सिक्सटी डिग्री की टू बाई रूट थ्री, कोसेक नाइन्टी की वन वैल्यू, ठीक है। तो ये देखो अगर हमने साइन को फाइंड किया तो कोस थीटा साइन का रिवर्स हो गया, टेन दोनों का डिवाइड हो गया, ठीक है। बस एक ये माइंड में रखना है कि साइन कोस को डिवाइड करेंगे तो टेन हो जाएगा, उसके बाद दोनों को रिवर्स करते जाना है। जैसे कोट को फाइंड करना है टेन का रिवर्स, सेक कोस का रेसिप्रोकल होता है और कोसेक सेक का रिवर्स कर देंगे, ठीक है। तो ये था ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, और ये देखो ये जो साइन था रेसिप्रोकल, साइन वन बाय कोसेक थीटा होता है, कोस थीटा क्या होता है, वन बाय सेक थीटा, कोट थीटा कोस थीटा बाय साइन थीटा वन बाय कोट थीटा, सेक थीटा वन बाय कोस थीटा, कोसेक थीटा वन बाय साइन थीटा, टेन का कोट, कोस का जो रेसिप्रोकल है वो सेक और साइन का कोसेक, ठीक है। तो ये रेसिप्रोकल यही हमने टेबल में यूज़ किया, तो ये बहुत इजी है, ट्रिक है इसकी। सब द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व द ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, हम इससे सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.2 के। तो ये था पार्ट थ्री ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल।